हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर पाइनएप्पल के साथ क्या कर रहे हो आप? ये दो तरीके का पाइनएप्पल देख रहे होंगे, एक पूरा ग्रीन है और ये लगभग येलो हो चुका है, ठीक है। अब आपने ये देखा है कि जो पाइनएप्पल होता है ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। पर ये नॉन क्लाइमेट्रिक होने के बावजूद भी ये राइपेनिंग के सिम्टम क्यों शो करता है? संदीप सर प्लीज, ठीक है। वैसे तो आप इसका जूस पीने आए थे, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी भी आप दीजिए कि सर ये पाइनएप्पल जो है ये राइपेनिंग के सिम्टम क्यों शो करता है, बल्कि एक नॉन क्लाइमेट्रिक है। सर आप तो पढ़ाते ही हो, आप ऑलरेडी बच्चों को बता चुके हो कि दिस इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। मतलब ये जो यहाँ पे मैंगो है ना, जैसे ये मैंगो पक जाता है, ठीक है, उसी तरह जो पाइनएप्पल है वो पकता नहीं है एक बार अगर आपने इसको हार्वेस्ट कर लिया, मतलब पिक कर लिया, लेकिन फिर भी ये येलो कलर हो जाता है। क्यों? द रीजन इज, एक तो इसमें इथिलीन एप्लीकेशन किया जाता है, प्लस अगर आप ऐसे रख दोगे तो इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। जब राइपनिंग तब कहते हैं जब सुक्रोज का कंटेंट इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें सुक्रोज का कंटेंट इंक्रीज नहीं होता है। थोड़ा सा ये क्लियर दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सो इसको सड़ना कहते हैं। दिस इज सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ये राइपनिंग नहीं होता है, सुक्रोज कंटेंट इंक्रीज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो पाइनएप्पल इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, लेकिन मैंगो इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अगर मैं कुछ बात और बताऊं, जैसे जो इसकी हार्वेस्टिंग की गई है, देखो दोनों की हार्वेस्टिंग में काफी फर्क है। इसको हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग मस्त वर्म देते हैं हाफ स्लीव स्टेज, तो यहाँ पर क्या गया है कि इसको यहाँ से काटा गया है, ठीक है, इसको ऐसे राउंड करके तोड़ा गया है, इसको भी राउंड करके ट्विस्ट करके तोड़ा गया है, पर इसमें अंदर के जो टिश्यूज है वो दिखने लगे हैं। जिसमें जल्दी टिश्यूज दिखेंगे वो जल्दी राइपेनिंग शो करेगा, मतलब कि जो आपने बताया स्यूडो राइपेनिंग शो करेगा, और जिसमें देरी से ये दिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये देखो यहाँ पर, ये अगर पूरा यहाँ अंदर से टूटा होता, अंदर के टिश्यू वाउंड हो जाते, तो ये भी इसके कंपेरिजन में जल्दी रैपिंग शो कर देता, ठीक है। दूसरी चीज बताएंगे तो पाइनएप्पल एक ब्रोमोलिएसी फैमिली होती है, इसके अंदर फैट कंटेंट नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि पाइनएप्पल मोनोकोटिलेडन है, यानी एक बीज पत्री होता है, ठीक। अब पाइनएप्पल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं कमेंट में बताइए, और साइंटिफिक नेम क्या होता है अनानास कॉम्सस होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और संदीप सर का योगदान भी अच्छा रहा, तो उनके लिए भी कमेंट बताइएगा। सुबह 10 बजे क्लास होती है उसको ज्वाइन करें, और रात को 8 बजे आगाज होती है उसको ज्वाइन करें। जय हिंद।